पहला स्टूडेंट वादे के अनुसार डिफरेंशिएशंस की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है। उम्मीद है पसंद आई, और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। और ज़्यादा बात ना करते हुए पहले वीडियो शुरू करते हैं और डेरिवेटिव को आगे लेके चलते हैं। बात चैप्टर डिफरेंशिएशन की ही है, डिफरेंशिएशन के अंदर जो आपको बताया जाएगा, सबसे पहले एक रूल है फंक्शन रूल, जिसको चेन रूल के नाम से भी जाना जाता है। अब ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन रूल या चेन रूल कैसे अप्लाई होता है, इसी के बारे में आपको बात करेंगे, ठीक है। देखिए जरा सब आप ध्यान से, अगर हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ रूट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, अगर हम इसको डायरेक्टली फंक्शन ऑफ ए फंक्शन रूल या चेन रूल यूज किए बिना अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, 1/2 रूट साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव, तो हमने इसका डेरिवेटिव पढ़ा था कॉस एक्स 2√ साइन एक्स। लेकिन ये फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है, ये हमारा डायरेक्ट रूल है। अगर इसी चीज को अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तो कैसे किया जाएगा, अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले लेट वाई बराबर रूट साइन एक्स, हमने जो है सबसे पहले जो है इसको पुट करा, पुट टी इक्वल टू साइन एक्स, यहां से हमारे पास आ गया वाई बराबर रूट टी, वाई का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन में डी टी, इसका डेरिवेटिव आ गया 1/2√। तो जो हमने यहां से जो डेरिवेटिव निकाला है वो निकाला है डी वाई बाई डी टी, उसके बाद एंड टी इक्वल टू साइन एक्स, यहां जो डेरिवेटिव निकाला डी टी अपॉन में डी एक्स, टी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमने जो डेरिवेटिव निकाला यहां हमने निकाला डी वाई बाई डी टी, यहां हमने निकाला डी टी बाई डी एक्स, लेकिन आपको पता है ना तो हमें डी वाई बाई डी टी निकालना होता है ना हमें डी टी बाई डी एक्स निकालना होता है, हमें निकालना होता है डी वाई बाई डी एक्स। अब इस डी वाई बाई डी एक्स को इन दोनों की मदद से हम कैसे निकालेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स इन दोनों की मदद से। तो अगर आप ध्यान से देखें डी वाई बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स, अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो डी टी से डी टी कट जाएगा और हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। तो डी वाई बाई डी टी की हमारे पास जो वैल्यू जो थी, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू थी 1/2√t, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू थी कॉस एक्स। अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो कॉस एक्स अपॉन में 2√ इस टी की वैल्यू आ गई साइन एक्स, और अगर आप चेक करना चाहें तो जो आपने डायरेक्ट मेथड से करा था वही फर्स्ट प्रिंसिपल, जो हमारा जो चेन रूल है या जो हमारा फंक्शन ऑफ ए फंक्शन रूल है वही हमारे पास जो है आंसर सेम आएगा। अब जो है क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो अगर हम इसको कर सकते हैं तो हमें चेन रूल अप्लाई करने की जो है जरूरत नहीं, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट से ही आप कर सकते हैं, आपको अलग से फंक्शन ऑफ ए फंक्शन या चेन रूल करके दिखाने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन या डेरिवेशन या डेरिवेटिव्स के अंदर एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है
कि मेथड कोई सा भी फॉलो किया जाए आंसर कभी भी चेंज नहीं आएगा। अगर आंसर चेंज आता है तो इसका मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है मिस्टेक है, उसको देखना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं, एक बार फिर देख लें, ये हमारा डायरेक्ट रूल, ये हमारा जो है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन या चेन रूल। ध्यान से देखें, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, आप देखें इसको। आओ आगे देखें, ठीक है, रूल की बात हो रही है चेन रूल, और चेन रूल को ही फंक्शन ऑफ ए फंक्शन रूल के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन इसके बारे में और डिस्कस करते हैं, तब आगे देखें। अब आगे करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं चेन रूल या फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का। अगर हम बात करें log log x की क्यूब, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, और वो भी डायरेक्ट मेथड से। अगर हमें डायरेक्ट मेथड से log log x की क्यूब का डेरिवेटिव निकाला है, तो इसका जो डेरिवेटिव बैठा था 1 अपॉन log x की क्यूब, इसका जो एंगल है वो ये है, तो log x की क्यूब का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x की क्यूब, x की क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो बच रहा है 3 अपॉन में x log x की क्यूब। तो इसका मतलब है अगर हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये होता है। अगर इसी चीज को अगर हम चेन रूल से करते हैं, अगर हम इसको डायरेक्ट चेन रूल से करते हैं, तो सबसे पहले लेट y बराबर log log x की क्यूब। अब हमने इस पूरे को पुट t इज इक्वल टू x की क्यूब हमने लेट कर, तो यहां पर बन गया ये y log log t, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dy अपॉन में dt, इसका जो डेरिवेटिव निकाला 1 अपॉन में log t, और log t का डेरिवेटिव 1 by t, जिससे ये बन गया 1 अपॉन में t log t। उसके बाद जो हमने बनाया था चेन जो बनाया था t is equal to x की क्यूब, इसका डेरिवेटिव निकाला dt by dx, यहाँ आ गया 3x square, यहाँ आ गया इक्वेशन नंबर 6, ये हमारा dy by dt, ये हमारा dt by dx। अगर हम इन दोनों की मदद से लेके अगर हमें जो निकालना है वो निकालना है dy by dx। अभी बताया था कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है dy by dt और dt by dx, तो dy by dt की जो वैल्यू हमारे पास जो है ये आ गया 1 अपॉन में t log t, और dt by dx की वैल्यू आ गई 3x square। इसके बाद 1 अपॉन यहां आ गया 3x square, t का मतलब x की क्यूब log x की क्यूब, इस x की स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहां आ गया 3 अपॉन में x log x की क्यूब। अगर आप ध्यान से देखें जो डायरेक्ट था डायरेक्ट जो डायरेक्ट से करा है वही आंसर हमारा जो है चेन रूल से आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें डायरेक्ट मेथड आता है तो हमारे लिए चेन रूल कोई भी रूल नहीं है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है चेन रूल भी आना चाहिए, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आपको चेन रूल करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर में कभी भी मेंशन नहीं होगा कि आप इसमें चेन रूल अप्लाई करें, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और शेयर करने के लिए सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वीडियो बनाने का मकसद उन बच्चों तक पहुंचना है जिन बच्चों को जो है इन चीजों में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर जिस बच्चे को इसको जो है नोट डाउन करना है वो नोट डाउन भी कर सकता है, स्क्रीनशॉट लेने स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट ये की जा रही है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और आगे एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए जो है मोटिवेशन मिले। जय हिंद, जय भारत।